वाराणसी लोकसभा सीट से नामांकन के पहले मंगलवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा का पूजन किया। इसके बाद काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के मंदिर में विधिवत हाजिरी लगाई। दरबार में विधि विधान से मंत्रोच्चार के बीच विशेष पूजन और आरती के बाद उन्होंने जीत की मंगल कामना की। इसके बाद प्रतीक रूप से श्री काल भैरव से नामांकन की अनुमति मांगी। मंदिर में प्रधानमंत्री शांत और आध्यात्मिक मुद्रा में दिखे। प्रधानमंत्री मोदी दशाश्वमेध घाट से कड़ी सुरक्षा के बीच क्रूज से नमो घाट आए। यहां से सड़क मार्ग से काल भैरव मंदिर पहुंचे। इसके पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और शहर दक्षिणी के विधायक नीलकंठ तिवारी ने मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी के पूजन अर्चन की व्यवस्था को परखा। मंदिर में दर्शन पूजन के बाद प्रधानमंत्री मदागिन लहुराबीर चौकिया घाट होते हुए होटल ताज पहुंचेंगे, जहां एनडीए और पार्टी के प्रमुख नेताओं के साथ नामांकन करने के लिए जिला मुख्यालय पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री के साथ नामांकन जुलूस में राज्यों के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडेय सहित केंद्र सरकार के आधा दर्जन मंत्री, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित एनडीए घटक दल के चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, पवन कल्याण, रामदास अठावले, अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद आदि नेता मौजूद रहेंगे।